दोस्तों, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो आपका देखिए यहाँ पे सीजन एक्सपायर्ड। आप फेसबुक यूज करते करते आपका मोबाइल से फेसबुक ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जा रहा है। मेरा भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको परमानेंटली आप कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप फेसबुक यूज करते करते अगर कभी कभार आपका जो फेसबुक है ऑटोमेटिक सीजन एक्सपायर्ड दिखा रहा है और प्लीज लॉग इन अगेन दिखा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप परमानेंटली कैसे सॉल्व करेंगे ये इस वीडियो में देखेंगे। तो कुछ ट्रिक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट जो ट्रिक्स है आप, तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर में आ जाता हूँ। आपका प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको फेसबुक सर्च करना है। फेसबुक आपको लिख के सर्च करना है। मैं लिख के सर्च कर देता हूँ फेसबुक। सर्च करने के बाद देखिए अगर आपका फेसबुक यहाँ पे अपडेट दिखा रहा है तो आपको अपडेट कर लेना है। इसको ओपन आ रहा है तो इसको ओपन कर लेना। देखिए ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जा रहा है। यू कैन लॉग बैक इन विथ वन टैप बिकॉज यू आर लॉग्ड इन टू मैसेंजर। मैसेंजर में आप लॉग इन है, इसलिए यहाँ पे वन टैप में आप लॉग इन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। ऐप्स को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद यहाँ से आपको सेटिंग्स ऑप्शन ओपन करना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपका मोबाइल कोई भी मोबाइल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेटिंग्स ऑप्शन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट पे जाना है। ऐप मैनेजमेंट पे जाने के लिए कोई भी मोबाइल हो आपको ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट पे जाना है। जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको फेसबुक सर्च कर लेना है। तो मैं सर्च कर लेता हूँ फेसबुक, तो फेसबुक यहाँ पे आ गया है। आपको देखिए यहाँ पे दो आपको ऑप्शन मिलेगा, स्टोरेज यूजेस डेटा यूजेस। तो मैं स्टोरेज यूजेस पे जाता हूँ। तो क्लियर कैचे क्लियर डेटा, तो पहले तो मैं क्लियर कैचे कर लेता हूँ और क्लियर डेटा भी आपको कर लेना है। तो मैं क्लियर डेटा भी कर लेता हूँ। जो ऐप्स का डेटा है ओनली ये ऐप्स का डेटा रहेगा, बाकी जो डेटा है पूरा डिलीट हो जाएगा। यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको फेसबुक ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद ऐसे इंटरफेस दिखाएगा, आपको लॉगिन कर लेना है। वन टैप में लॉगिन हो जाएगा, तो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद लोकेशन आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, मैं अभी डिनाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आने के बाद आपको जो करना है, यहाँ पे जो थ्री डॉट्स है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको आना है। आने के बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाना है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाने के बाद सेटिंग्स ऑप्शन में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना है लॉग इन लिख के, तो आपको लॉग इन लिख के सर्च कर देना है। लॉग इन इन विथ अकाउंट्स, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको, फर्स्ट जो ऑप्शन है सी व्हेयर लॉग्ड इन। तो आपका अगर मोबाइल दिखा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ से लॉग्ड आउट कर लेना है। चेक आउट करके लॉग्ड आउट पे क्लिक करना है। तो देखिए मेरा नाम दिखा रहा है विल बी लॉग्ड आउट ऑफ फेसबुक ऑन द सिलेक्ट डिवाइस, मतलब जो जो डिवाइस से आपका लॉग इन है पूरा आपका लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ये लॉगिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है इस डिवाइस पे लॉगिन है, ये मेरा डिवाइस है, ये ठीक है। अगर दूसरा डिवाइस से आपको लॉग्ड इन है तो आपको लॉग आउट कर लेना है। इस प्रोसेस के बाद आपका मोबाइल के अंदर कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। ऐसा वीडियो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ज़रूर बजा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना, अच्छा रहना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।